नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मंगलवार के दिन कर्ज से मुक्ति पाने के लिए सबसे उत्तम दिन है और इस दिन मंगल देव, हनुमान जी और गणेश जी की पूजा करने का शुभ दिन माना जाता है और इस दिन भगवान श्री राम जी की भी पूजा करने का सबसे अच्छा दिन होता है। तो आज के किए जाने वाले जो उपाय हैं, मंगलवार के दिन किए जाने वाले जो उपाय हैं, टोटके हैं, ये मन को शांति प्रदान करते, धन प्रदान करता है, सुख संपत्ति ऐशो आराम हमें प्रदान करते हैं। देखिए, जो मंगल देव है इसे ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। ये हमें धन दौलत, हमारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने का काम करता है। तो मंगलवार के दिन कुछ ऐसे दान हैं जो कि हमें गरीबी से अमीरी बनाने में काफी मदद करते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप चाहते हैं मित्र कि इस प्रकार के प्राचीन ज्ञान की अच्छे अच्छे जानकारी आपको भी सीखने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। हमारे इस चैनल में वास्तुशास्त्र की जानकारी, प्राचीन ज्ञान की जानकारी, हमारे धर्म से रिलेटेड अच्छे अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को सिखाए जाते हैं। तो मंगलवार के दिन हो सके तो लाल गुलाब ये किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या हनुमान मंदिर में जाकर के चढ़ा सकते हैं। सिंदूर दान आज के दिन करना चाहिए, काफी उत्तम माना जाता है। हो सके तो आज के दिन शहद और तांबा दान करना चाहिए, इससे हमारे धन में बढ़ोतरी होता है। अगर कोई भी व्यक्ति मंगलवार के दिन गेहूं या लाल चंदन या लाल पुष्पा इसका अगर दान करते हैं तो अगर वो सात जन्म का भिखारी है, दरिद्र है, वह भी जल्द से जल्द धनवान बन जाते हैं। हो सके तो लाल लिपस्टिक भी मंगलवार के दिन दान करना चाहिए। जितने भी लाल कलर के जो वस्तु हैं, पदार्थ हैं, ये मंगलवार के दिन दान करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होते हैं, मंगल देव की कृपा प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं इसे कौन से टोटके हैं, सरल उपाय हैं, जिन उपायों को अपना करके आदमी जो अपने धन वैभव में बढ़ोतरी कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने संपत्ति को बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन में चल रही बाधाओं से जो है छुटकारा पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के या गणेश जी के मंदिर में जाकर के सच्चे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ सूखा नारियल रखना चाहिए। ऐसा करने से अगर प्रत्येक मंगल, पांच मंगलवार तक यह प्रयोग करते हैं गणेश मंदिर में, हनुमान मंदिर में जाकर के, तो इससे जो भी आपके जीवन में कष्ट चल रही, बाधा चल रही है, उसका निवारण होता है। मन के शांति के लिए, धन प्राप्ति करने के लिए मंगलवार के दिन पांच लाल पुष्प किसी मिट्टी के पात्र में गेहूं के साथ रख करके घर की छत के पूर्व कोने पर आपको रखना है और मंगलवार के दिन इसे ढक देना है और अगले मंगलवार तक उसे आपको छूना नहीं है। अगले मंगलवार को सारे गेहूं छत पर फैला देना है और फूलों को घर के मंदिर में रख देना है। आपके जीवन से जो तनाव है, आपके जीवन से जो परेशानी वह दूर हो जाएंगे, आपको शांति प्राप्त होंगी, आपके घर में धन वैभव की बढ़ोतरी होगी। ये जो छोटे छोटे उपाय होते हैं आगे बढ़ने में, हमारे प्रोग्रेस होने में काफी मदद करते हैं। हो सके तो मंगलवार के दिन लाल गाय को रोटी खिलाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति लाल गाय को मंगलवार के दिन रोटी खिलाती है तो इसे काफी शुभ माना जाता है, क्योंकि गाय के अंदर में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। तो इसे हमने गाय को रोटी खिला समझो, हमने लक्ष्मी को रोटी खिला, इसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, हमारे जीवन से गरीबी को मिटाती है। मंगलवार के दिन किसी देवी मंदिर या गणेश मंदिर में ध्वजा चढ़ाना चाहिए, हनुमान मंदिर में ध्वजा चढ़ाना चाहिए, आर्थिक समृद्धि की प्रार्थना करना चाहिए। मंगलवार को ऐसा करने से हमारे कहा जाए तो जीवन में जो धन संबंधी परेशानियां दूर होते हैं। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, लाल फल, लाल फूल और लाल रंग की मिठाई भगवान गणेश जी को चढ़ाना चाहिए, हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए, इसे कामना की पूर्ति होती है। तो हमने बहुत सारे उपाय बताए मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय। जो उपाय आपको अच्छा लगे वह उपाय करें, आपकी गरीबी मिटेंगे, निर्धनता मिटेंगे, जीवन में चल रही बाधा समाप्त होंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।